देश के सबसे बड़े सामाजिक संगठनों में शुमार होने वाला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अब अपनी इमेज मेकओवर में जुटा है। पिछले दिनों गुजरात के कर्णावती में जब संघ की प्रतिनिधि सभा की बैठक आहूत थी तो माना जाता है कि इस बैठक के दो सर्वप्रमुख एजेंडे उभर कर सामने आए। एक तो संघ 2025 में 100 साल का होने जा रहा है, इस परिप्रेक्ष्य में देश भर में अलग अलग कार्यक्रमों की रूपरेखा तय करने पर विचार हुआ। दूसरा, संघ अपना गांव गांव तक विस्तार करना चाहता है। सो संघ प्रमुख ने अपने स्वयं सेवकों से खुलकर ये आह्वान किया कि अब संघ की शाखाएं गांव गांव में लगनी चाहिए। इसी कड़ी में संघ के बड़े नेताओं ने इस बात पर भी रोशनी डाली कि संघ को अपनी बंधी बंधाई छवि से भी बाहर निकलना होगा ताकि आज के यूथ में अपनी पैठ जमा सके। इसके तहत संघ के चेहरे मोहरे को और उदार, तार्किक और समीचीन बनाने की भी बात हुई। संघ नेताओं ने माना कि इस पर शुरू से ही आरोप लगता रहा है कि यह ब्राह्मणवादी और ब्राह्मणवादी वर्चस्व और सोच से प्रेरित एक संगठन है। इस बंधी बधाई अवधारणा को झुठलाने के लिए पिछले कुछ वर्षों में संघ के अंदर गैर ब्राह्मण नेताओं को ज्यादा तरजीह दी जा रही है। इस कड़ी में एक नेता छत्तीसगढ़ की कुम्हार या प्रजापति जाति से ताल्लुक रखते हैं, जिनका नाम है रामदत्त चक्रधर। चक्रधर एक पिछड़ी जाति से आते हैं। छत्तीसगढ़ में पहले इन्हें सह प्रांत प्रचारक का जिम्मा मिला था, फिर ये वहाँ प्रांत प्रचारक बने। इसके बाद इन्होंने मध्य क्षेत्र के प्रचारक का दायित्व निभाया। बाद में ये बिहार झारखंड के क्षेत्र प्रचारक बनाए गए। रामदत्त चक्रधर ने संघ को साइकिल से मोटरसाइकिल तक पहुँचाया और जब देश में संचार क्रांति का सूत्रपात हुआ तो उन्होंने संघ के चेहरे मोहरे को मॉडर्न बनाने के लिहाज से इसकी कार्य प्रणाली को मोबाइल, कंप्यूटर और लैपटॉप से जोड़ा। संघ के शीर्ष नेतृत्व ने भी एक अभिनव प्रयोग करते चक्रधर को पिछले साल क्षेत्रीय प्रचारक से सीधे सह सरकारवाह बना दिया। यह अपनी तरह का एक पहला उदाहरण है जब संघ में किसी क्षेत्रीय प्रचारक को सीधे सह सरकारवाह बनने का मौका मिला हो। आने वाले दिनों में संघ के अंदर कई और गैर ब्राह्मण नेताओं को महती जिम्मेदारियाँ मिल सकती है। हमारे वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।